Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and spending great time with your family at home. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. Students, inshallah, school will be open soon and I hope you all are excited. Students, when school open, inshallah, our annual exams will be start. So be ready for the annual examination. आप सब घर बैठ के अच्छी सी examination की तैयारी कीजिए. आपके पास अब बहुत time है, आप बहुत अच्छी सी preparations कर सकते हैं. So be ready for the annual exams, inshallah, annual exams will be soon. Students, this is an interesting video. It's a vocabulary video for you. Vocabulary में हम words meaning, जिसमें हमारी vocabulary में इजाफा होता है, English में English के जो words हैं हमें उसके meanings का पता होता है, पता चल जाता है. Vocabulary से हमारी information में इजाफा होगा, हमारी vocabulary में इजाफा होगा, हमें English words use करने आएंगे कि हमें उसका meaning पता होगा तो हमें उसे use करने में आसानी रहेगी. तो this video is vocabulary video. ये vocabulary video है. It's just for knowledge. ये सिर्फ आपके knowledge में इजाफा करने के लिए video बनाई गई है. आप सब अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं. सो आप सब घर बैठ के अपने एनुअल एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि जब स्कूल ओपन हो तो आप एनुअल एग्जाम्स के लिए तैयार हो. ठीक है, तो आप सब ने अपनी कॉपी वर्क कंप्लीट रखना है, कॉपी को अच्छे से रेडी करना है, अपनी एनुअल एग्जाम्स के लिए उसको प्रिपेयर करना है, याद करना है. जो जो रिवीजन में बताया गया है, जो जो प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है, वो सब आपने अच्छे से याद करना है ताकि आप एनुअल एग्जाम्स के लिए अच्छे से रेडी हो जाए और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट आवर वोकैबुलरी वीडियो. It's in vocabulary video. In this video, we have one word. Words meaning. This word, एक word दिया गया है, उसकी meanings और sentence बताऊंगी और बताऊंगी कि उसे grammar में क्या कहते हैं. Okay? So let's start our video. First vocabulary word is brave. B-R-A-V-E, brave. B-R-A-V-E, brave. B-R-A-V-E, brave. Brave means is without fear. Without fear, having courage. Without fear, having courage. Brave means bahadur. English meaning is without fear. Without fear, having courage. Brave English meaning is without fear, having courage. Okay. And the sentence is, he was brave. He was brave to stand up for his brother. He was brave to stand up for his brother. He was brave to stand up for his brother. He was brave. वो बहादुर था. To stand up for his brother, अपने भाई के साथ खड़े होने के. जैसे अब brave meanings तो आप सबको पता ही है. I think आप सब brave word use करते हो कि I am brave, he is brave, she is brave. तो brave means तो है जो, brave means मतलब बहादुर, without fear, जिसको कोई डर ना हो. ठीक है,
तो वो बहादुरी से अपने भाई के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, वो किसी से डर नहीं रहा, इसलिए वो पुरुमीद है कि मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि वो ब्रेवली हर चीज का मुकाबला कर सकता है. ओके, एंड नाउ इट्स इन अ ग्रामर, इट इज दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव. इन अ ग्रामर दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ये खूबी है, तो इट इज एन एडजेक्टिव. ओके, इट्स आर फर्स्ट वर्ड, इट्स ब्रेव, इट्स आर फर्स्ट वर्ड इज ब्रेव. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड इज आर्ग्यू, आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू. आर्ग्यू मीन्स, इंग्लिश मीनिंग इज फाइट यूजिंग वर्ड्स. आर्ग्यू इंग्लिश मीनिंग इज फाइट यूजिंग वर्ड्स. आर्ग्यू मीन्स बहस करना. इंग्लिश मीनिंग इज फाइट यूजिंग वर्ड्स, मतलब बात करने के दौरान ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे लड़ाई हो सके, आर्ग्यू करना, बहस करना. ओके, एंड द सेंटेंस इज व्हेन माय ब्रदर्स कांट एग्री, व्हेन माय ब्रदर्स कांट एग्री समटाइम्स दे आर्ग्यू, समटाइम्स दे आर्ग्यू. व्हेन माय ब्रदर्स कांट एग्री समटाइम्स दे आर्ग्यू. सेंटेंस है, जब मेरे भाई किसी बात के लिए मुत्तफिक नहीं होते, मतलब वो किसी एक बात के लिए नहीं मान रहे होते, किसी एक बात के लिए एग्री नहीं होते, तो वो आर्ग्यू करते हैं. समटाइम्स दे आर्ग्यू, तो वो उस टाइम बाज़ोकात वो आर्ग्यू करने लगते हैं क्योंकि वो एक बात पे मुत्तफिक नहीं होते. इट्स एन आर्ग्यू, आर्ग्यू. लास्ट फर्स्ट वर्ड इज ब्रेव एंड देन आर्ग्यू. एंड इन अ ग्रामर दिस वर्ड इज एन अ वर्ब, इज अ वर्ब, दिस वर्ड इज अ वर्ब. ओके, इट्स एन वर्ब. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. थर्ड वर्ड इज लर्न, थर्ड वर्ड इज लर्न, LEARN, लर्न. लर्न, लर्न मीन्स, इंग्लिश मीनिंग इज टू गेन नॉलेज और स्किल, टू गेन नॉलेज और स्किल. लर्न मतलब याद करना, कुछ याद करना, नॉलेज हासिल करना. लर्न टू गेन नॉलेज और स्किल, इंग्लिश मीनिंग इज टू गेन नॉलेज और स्किल. एंड द सेंटेंस इज डिड यू लर्न द मटेरियल फॉर द टेस्ट टुडे, Did you learn the material for the test today? In the sentence, did you learn? कहा कि आप, क्या तुमने याद किया है material, मतलब सारा सबक जो test में दिया गया था, जो test के लिए material दिया गया था, मतलब teacher ने जो lesson दिया था आपको, material दिया था याद करने के लिए, वो क्या आपने याद किया? And in a grammar, this word is also a verb. In a grammar, this word is also a verb. Okay? To gain knowledge or skill. Sentence is, did you learn the material for the test today? Did you learn the material for the test today? Okay, now come to the next slide. This word is journey. JOURNEY, journey. JOURNEY, journey. English meaning is travel from one place to another. English meaning is travel from one place to another. A trip मतलब एक सफर, एक जगह से दूसरी जगह को सफर करने को journey कहा जाता है. Journey कहा जाता है. JOURNEY, journey. English meaning is travel from one place to another. And the sentence is, we took a journey to see the world. We took a journey to see the world. Smith's sentence is, हमने
सफर किया टू सी द वर्ल्ड, दुनिया देखने के लिए, ठीक है. He took a journey to see the world. And in a grammar, this word is a noun. This word is a noun. Okay? Travel from one place to another. English meaning is travel from one place to another. A trip. And sentence is, he took a journey to see the world. And in a grammar, this word is a noun. Okay, now come to the next one. Familiar. F-A-M-I-L-I-A-R. Familiar. F-A-M-I-L-I-A-R. Familiar. Familiar English meaning is something you know because you see it a lot. Something you know because you see it a lot. जो चीज आप बहुत ज्यादा देखते हैं उसके बारे में जानना familiar, something you know, ऐसी चीज जिसके बारे में आप जानते हैं क्योंकि you see it a lot, क्योंकि आपने उसे बहुत ज्यादा देखा हुआ है, तो वो familiar है. बहुत इट्स लाइक अ फेमस, जैसे मशहूर एक कोई चीज फेमस हो जाती है ना, ही इज फैमिलियर है. इट्स एन एडजेक्टिव. दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव. ओके, फैमिलियर. सेंटेंस इज, आफ्टर इयर्स ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री ही वॉज फेमिलियर विद द सब्जेक्ट. ही वॉज फेमिलियर विद द सब्जेक्ट. आफ्टर ईयर ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री, कई साल जो है वो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, ही वॉज फेमिलियर विद द सब्जेक्ट, वो इस सब्जेक्ट की वजह से फेमिलियर हो गया, फेमस हो गया. मतलब सब्जेक्ट की वजह से जानने मशहूर हो गया, जानने लगा. एंड इन द ग्रामर दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव. फेमिलियर दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव. समथिंग you know because you see it a lot. And the sentence is, after years of studying chemistry he was familiar with the subject. Next word is launch. L-A-U-N-C-H. launch. L-A-U-N-C-H. launch. Launch English meaning is to release or send off into the air. To release or send off into the air. English meaning is to release or send off into the air. And the sentence is, they are going to launch the new space shuttle tomorrow. They are going to launch the new space shuttle tomorrow. Launch मतलब कोई new चीज introduce करवाना. To release or send off into the air. कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाना, रिलीज करवाना, लॉन्च करवाना. They are going to launch a new space. वो एक नई नई जगह लॉन्च करने जा रहे हैं, शटल टुमारो. यानी कल जो है वो एक नई जगह इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. मतलब एक नई चीज़ या कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना जो है वो लॉन्च कहलाता है. एंड दिस वर्ड इज अ वर्ब. दिस वर्ड इज अ वर्ब. नाउ सेंटेंस इज, नेक्स्ट वर्ड इज, आर ई एस ई आर वी ए टी आई ओ एन. रिजर्वेशन. आर ई एस ई आर वी ए टी आई ओ एन. रिजर्वेशन. रिजर्वेशन इंग्लिश मीनिंग इज समथिंग सेट असाइड एंड सेव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस. समथिंग सेट असाइड एंड सेव फॉर अ स्पेशल पर्पस मतलब किसी चीज़ को खास मकसद के लिए रिजर्व कर लेना और जो है वो रिजर्वेशन कहलाता है. मतलब किसी खास मकसद के लिए उसे रिजर्व कर लेना. जैसे हम कोई सीट हमारी क्लास में हम सीट हम रिज़र्व कर लेते हैं, तो क्योंकि हमें वहाँ बैठना है, बोर्ड देखना है, तो वो रिज़र्व हो गई. किसी ख़ास मकसद के लिए हुई, मतलब हमें बोर्ड देखना था इसलिए हम आगे सीट पे बैठ गए, हमने आगे की सीट रिज़र्व कर दी, तो वो क्या कहलाएगा? रिजर्वेशन.
या हम कहीं किसी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल के लिए हम प्लेन या ट्रेन की सीट बुक करवाते हैं तो उसे भी रिजर्वेशन कहा जाता है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारा मकसद है और हम उसकी सीट बुक करवाने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम क्या यूज़ करेंगे, रिजर्वेशन। एंड द सेंटेंस इज डोंट फॉरगेट टू मेक अ रिजर्वेशन एट द रेस्टोरेंट सो दे वुड सेव अस अ टेबल। डोंट फॉरगेट टू मेक अ रिजर्वेशन एट द रेस्टोरेंट सो दे वुड सेव अस अ टेबल। कहा डोंट, आप बोलना मत कि हम आपने रेस्टोरेंट में एक सीट बुक करवानी है, एक टेबल बुक करवानी है, दे वुड सेव अस अ टेबल ताकि वो मत। डोंट फॉरगेट टू मेक अ रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन करवाना मत भूलिएगा एट अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में, सो दे वुड सेव अस अ टेबल ताकि वो हमारे लिए एक टेबल जो है वो सेव कर दें, मतलब हमारे जाने से पहले ही वो हमारे लिए टेबल बुक हो। एंड दिस वर्ड इज़ अ नाउन, दिस वर्ड इज अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेवर, clever, क्लेवर, clever। क्लेवर, क्लेवर मीन्स इंटेलिजेंट, ब्राइट, हैविंग अ क्विक माइंड। इंटेलिजेंट, ब्राइट, हैविंग अ क्विक माइंड, मतलब इंटेलिजेंट मीन्स समझदार कह लें, चालाक कह लें, मतलब क्विक माइंड कह लें, जो जिसको बहुत जल्दी हुई कोई चीज़ समझ आ जाती है। दिस वर्ड इज क्लेवर, दिस वर्ड इज क्लेवर। इंग्लिश मीनिंग इज इंटेलिजेंट, ब्राइट, हैविंग अ क्विक माइंड। एंड द सेंटेंस इज दैट इज वेरी क्लेवर आइडिया, दैट इज वेरी क्लेवर आइडिया, आई थिंक इट माइट वर्क। अगर ये बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत समझदारी का मशवरा है या बहुत चलाकी का मशवरा है, आई थिंक इट्स माइट, यानी कि ये काम करेगा, ये मशवरा जो है आपका काम करेगा। This word is an adjective. This word is an adjective. Intelligent, bright, having a quick mind. Sentence is that is very clever idea. I think it's might work. It's an adjective. Next word is adopt. Adopt. A-D-O-P-T. Adopt. Adopt means to take legally into one's family and raise as one's own child. To take legally into one's family and raise as one noun own child. अच्छा जी, adopt का मतलब है कि किसी person को, किसी शख्स, किसी को अपनी family का हिस्सा बना लेना legally, मतलब एक legally बनाना, इनलीगल नहीं बनाना, मतलब ऐसे ही नहीं कि आपके घर में एज अ गेस्ट आए और आपने उसे बोलिए लीगली, मतलब वो बाय पेपर पर आपके फैमिली का हिस्सा बन गया तो उसे हम कहते हैं अडॉप्ट करना। किसी चाइल्ड को और अपना, किसी और के चाइल्ड को अपना चाइल्ड बना लेना, मतलब किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना लीगली, पूरी कागजी कार्रवाई करके उसे कहा जाता है अडॉप्ट करना, ADOPT, अडॉप्ट। And the sentence is Mr. and Mrs. Lee were happy to adopt a young boy as their own. मतलब Mr. and Mrs. Lee जो है उन्होंने एक child adopt किया है, young boy adopt किया है, अपना बेटा बनाया है, मतलब एक बच्चे को उन्होंने adopt करके अपना बच्चा बना लिया है। This word is a verb. This word is a verb. Okay, now last word is famous. Famous, 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 famous means जैसे familiar था, मशहूर होना, जाना जाना, इसी तरह ऐसा English meaning is very well known मतलब बहुत अच्छे से जानने वाला, मतलब बहुत famous होना, उसका बहुत मशहूर होना, very well known। And the sentence is he is very famous movie star, ये बहुत मशहूर मूवी के स्टार, मतलब फिल्म के स्टार है, बहुत मशहूर अदाकार है या स्टार है। ही इज़ वेरी फेमस मूवी स्टार। एंड दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इट्स एन लास्ट वर्ड ऑफ आर वोकैबुलरी। दिस वोकैबुलरी वर्ड इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स।
स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग.